हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिस बिजनेस से जुड़कर आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैं बात करूं, आप जानते हैं जिस कंपनी के पास आज हम आपको लेकर आए हैं, कंपनी का नाम है रॉयल खान कंपनी। जी हाँ दोस्तों, और काफी सारी वीडियोस आपने हमारी रॉयल खान कंपनी की देखी होंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं इकबाल जी से और लेते हैं सारी जानकारी क्या कुछ स्पेशल आपके लिए इस वीडियो में होने वाला है। हेलो सर, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सर आपका सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी कंपनी में। जी थैंक यू सो मच सर। तो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ आज आप दिखाने वाले, कौन सा बिजनेस बताने वाले हमारे व्यूअर्स के लिए सर? सर मैं आज बिजनेस की बात नहीं करना चाहता, मैं आज आपके व्यूअर्स को और अपने साथियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप उसकी नॉलेज जरूर ले लीजिए, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं। ऐसे पैसे बहुत, ऐसे मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे YouTube चैनल भी हैं जो उनका बिजनेस प्रमोट करते हैं और कमेंट ऑफ कर देते हैं, ताकि अगर कोई उनके साथ अगर गलत व्यवहार करे तो उनको कमेंट में कोई उनको रिप्लाई ना कर सके। ऐसे चैनलों से भी सावधान रहिए दोस्तों। और ऐसे एक मैं कहता हूँ, ऐसे मैन्युफैक्चर है या ट्रेडर है, मैन्युफैक्चर तो होते नहीं है, ट्रेडर होते हैं, क्योंकि 2x2 के कैमरे में पंखा भी नहीं लगा रहता है और वो कहते हैं कि भैया हम छोटी इन्वेस्टमेंट में और लोगों को बहुत अच्छा रोजगार दे रहे हैं, और कहते हैं कि हमारे पास इम्प्लॉय भी नहीं है। तो ऐसे दो कमरों में सर हम ऑफिस लेकर के बैठे हैं और कहते हैं पूरी कंपनी है, इन लोगों का कुछ पता नहीं है कि दो बंदे काम कर रहे हैं और कब बोरिया बिस्तर बांध करके भाग जाएंगे। तो जिस कंपनी में एम्प्लॉय ज्यादा होते हैं, जहां मतलब स्टाफ ज्यादा होता है, कंपनी बड़ी होती है, उस वो कंपनी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगी, भागेगी नहीं बिल्कुल, और ना ही हमारा कोई कमेंट ऑफ रहता है। दोस्तों मैं दिखा सकता हूँ आपको कमेंट किस तरीके से कमेंट होता है, ये देखिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ जी बिल्कुल। तो गाइज जैसे कि देख सकते हैं सर, आज आपको कोई बिजनेस के बारे में नहीं बता रहे, आज ये आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप फ्रॉड लोगों से बच सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कोई भी जानकारी लेना चाहे तो किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको कमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे ये हमारा रॉयल खान कंपनी का ही चैनल है यूट्यूब जी, और देखिए इस पे कोई भी जैसे वीडियो होती है, जैसे मैं अभी ये ओपन करके देख लूं जी, वैसे ये सर की और मेरी वीडियो है, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ कमेंट होता है, ये कमेंट में ये कमेंट की बात कर रहा हूँ। ये देखिए क्या कह रहे हैं, एल्युमिनियम प्लेट वाली मशीन है सर, कैसे बाय करें जी बिल्कुल। तो ये कमेंट भी ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो बंद कर देते हैं, और ताकि जो उनके साथ अगर कंपनी फ्रॉड करती है तो उनका उनको फीडबैक ना दे सके। तो कोई भी कंपनी फीडबैक पे चलती है दोस्तों, ऐसी फ्रॉड गिरी पे नहीं चलती है। तो ऐसे चैनल और ये वीडियो ही मत देखिए दोस्तों, और ऐसे कंपनी से भी डील मत करिए जी। तो बेसिकली गाइज आज जैसे कि देख सकते हैं इकबाल जी, आज आपको कोई बिजनेस के बारे में नहीं गाइड करने वाले, आज इकबाल जी आपको जो बताने वाले हैं वो इस तरीके से कि आप किसी भी कंपनी के साथ, वो बेसिकली ये नहीं कहते कि आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ के बिजनेस स्टार्ट करिए, आप किसी भी कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले उसकी बेसिक नॉलेज लीजिए, आप चैनल्स को देखिए, फ्रॉडगिरी से बचिए कुल मिला के जी बिल्कुल सर। दूसरा दोस्तों मैं आपको नॉलेज देना ये चाहूंगा जी कि जैसे देखिए ये मशीन आपको हमारे पास मात्र 15,000 में मिलेगा, जिसे बोलते हैं एल्युमिनियम प्लेट में चाहिए, ऊपर की हो चाहिए नीचे की हो, मार्केट में आपको 25,000 से 28,000 रुपए का रेंज मिलेगा इस मशीन का, और ये हमारे पास मात्र 15,000 रुपए में है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो 25,000 से 28,000 रुपए की मशीन बेचते हैं और कहते हैं कि 15,000 रुपए में हम आपको 60 किलो जूना, 10 किलो कटोरी और 500 पत्ते दे रहे हैं, और कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि ये हमारा 30 रुपए का पत्ता तैयार होता है, जबकि ये बिल्कुल टोटल फ्रॉड है। आप उनसे कहिए कि हमें मशीन मत दो भाई, आप मुझे इतना सारा मटेरियल ही दे दो, हम आपसे मशीन परचेस नहीं करेंगे, हमने हमारे पास ऑलरेडी मशीन है। तो ऐसे लोग आपको मशीन नहीं देंगे, कहेंगे जो हमसे मशीन खरीदता है हम उन्हीं को मटेरियल देते। तो ऐसे 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 ट्रेडरों से सावधान रहिए। चाहे दोस्तों ये 10,000 रुपए की मशीन है, इस मशीन की बात करूं मैं तो इसका मात्र जो वजन जो होता है 22 से 23 किलो का वजन होता है दोस्तों, और ये मशीन लेना मैं कहता हूं ये मशीन हो चाहे ये मशीन हो, और ये मशीन हमारे पास मात्र 12,000 रुपए की है, आपको मार्केट में 20,000 रुपए की मशीन मिलेगी, ये मेरे पास मात्र 12,000 रुपए की है। तो ये सब मशीन मैं कहता हूँ दोस्तों, ये चाइनीज मशीन, ये चाइनीज मॉडल होता है, इसको इंडियन वर्जन में कन्वर्ट करा हुआ है, और ये सब मशीन टोटली बेकार होती है, कोई लाइफ लॉन्ग लाइफ नहीं होता, और ना ही इससे प्रोडक्शन अच्छी आती है, ना ही इससे क्वालिटी अच्छी आती है। आप आज पैक कर लें, 4 दिन बाद आपका उखड़ने की प्रॉब्लम जरूर आएगी, क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं होता, इसमें ताकत नहीं होता, ये यहाँ से लॉक हो जाता है दोस्तों। लॉक होने में प्रेशर कहाँ लगता है, जबकि किसी भी, अब मैं आपको एक बताऊँ, जैसे आपने साइकिल पर पंक्चर लगाने वाले को देखा होगा, पंक्चर लगाने के बाद भी उसको अच्छे से ठोकता है, ताकि क्यों, उसमें फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए, चिपक पकड़ अच्छी से होनी चाहिए, इसमें जब हमारा प्रेशर ही नहीं पड़ रहा तो पकड़ अच्छे से कैसे होगी। और आपने दोस्तों देखा होगा इस तरह की मशीनों को लोग बोलते हैं कि मतलब ये ओल्ड मॉडल है जी बिल्कुल, हाँ ये मशीन मत खरीदो, और 13,000 रुपए की हम मशीन दे रहे हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, 13,000 रुपए की मशीन नहीं है। अगर वो कहते हैं 13,000 रुपए की मशीन है तो मैं खरीदने के लिए बैठा हूँ, एक नहीं दो नहीं 100 मशीन खरीद लूंगा, 500 रुपए आपको भी अलग से दूंगा। आप सोच सकते हैं कि 500 रुपए के हिसाब से आपने कितना इनकम कर लिया 100 मशीन अगर मैं परचेज करता हूँ। तो ऐसे लोगों से दोस्तों सावधान रहिए, मेरा ये कहने का यही मतलब है।
बेसिकली बालजी आपके साथ आज एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होने जा रहा है। आज आप हमारे व्यूअर्स को कोई बिजनेस नहीं बता रहे, हर चीज की गाइडेंस दे रहे हैं, तो एक चीज का बुरा मत मानिएगा। जैसे कि आप ये मशीन के बारे में बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये चाइनीज मशीन है जो इंडियन में कन्वर्ट करके रखी जाती है, जो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, मगर आपने ये मशीनें क्यों रखी हैं, आप क्यों सेल कर रहे हैं? सर मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास कोई भाई लोग आते हैं तो कहते हैं कि सर जब तक हम उनको दिखाते नहीं तब तक उनके समझ में नहीं आता, और बात बिल्कुल कहीं हद तक जायज है, क्योंकि अगर जब तक हम दिखाएंगे नहीं, उनका कंपैरिजन नहीं करेंगे, जब तक उनको पता कैसे लगेगा हमारे दोस्तों को, तो इसलिए हमने रखा, हमने सेल करने के लिए रखा। अगर उनको चाहिए फिर भी, अगर उनको नहीं, अगर नहीं समझ में आता है, अगर चाहिए तो हम देने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया ये मार्केट में 20,000 रुपए का प्राइस में बेचा जा रहा है, मैं मात्र 12,000 में दे रहा हूँ। जिसको ले आओ, जितना मशीन चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, 50 मशीन चाहिए, 20 चाहिए, मैं इतना देने के लिए तैयार हूँ सर। और जैसे मैंने बताया था कि और लोग वीडियो में कहते हैं कि ये ओल्ड मशीन है, आउटडेटेड मशीन है, मतलब ये 10,000 में भी दे तो ना लेना। दोस्तों मैं कहता हूँ कि भाई आप 13,000 प्राइस बता रहे हो, आप मुझे 13,500 में दे दो। 500 रुपए जो भाई मेरे पास आते हैं उनको मैं अलग से दे दूंगा। ये 13,500 में खरीदने के लिए बैठा हूँ, आप देकर तो देखो कितनी मशीनें मुझे बेचोगे, तो उनकी जो है क्या बोला जाए, मैं कुछ बोल नहीं सकता दोस्तों, तो छोड़ दीजिए इस बातों को यहीं पे। मतलब बेसिकली अगर बात करी जाए गाइस यहाँ पर, तो इकबाल जी ने जो ये मशीन्स रखी है ये आपको सेल करने के लिए नहीं रखी है, ये कंपैरिजन कराने के लिए। क्योंकि बेसिकली सी बात है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं और आने के बाद उस चीज के बारे में पता करते हैं, तो उनके पास वो चीज दिखाने के लिए भी होनी चाहिए, तो इसी रीजन से उन्होंने ये मशीन्स रख रखी है अपने पास। तो इकबाल जी बेसिक सी आपने बात बताई कि अगर देखा जाए हमारे व्यूअर्स को कि ये मशीन एक बेहतर ऑप्शन नहीं है, और इसके अलावा आपने बताया कि ये मशीन है उसके मुकाबले एक बेहतर ऑप्शन होने वाली है, तो उसका क्या डिफरेंस होने वाला है कि ये उसके मुकाबले ज्यादा बेहतर है? सर सबसे पहला डिफरेंस दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मशीनें मात्र 22 किलो में है, 22 से 23 किलो में मेरे पास है, किसी के पास भी वजन करके देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 25 से 26 किलो में वजन में है, ये 35 किलो के आसपास का वजन है। दोस्तों ये मशीन मैं आपको लाइव वेट करके जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं दिखा दूंगा, ये आपको 140 किलो में ये मशीन आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आप खुद समझदार हैं कि अगर कोई भी भाई अगर इस कमर जैसे पैकिंग करते हैं, जैसे दोस्तों एक मिनट में ये दिखाता हूँ, ये इस तरीके का इसके ऊपर पैकिंग हुआ हुआ है, ये जो है ये देखिए निकालने से भी नहीं निकल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि लोग ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं? वो इसलिए ही लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है काफी अच्छा पैक हो, काफी अच्छी फिनिशिंग आए। तो दोस्तों वो क्या, ये क्या होता है कि इन सब मशीन में क्या है कि हम जैसे देखिए स्लाइडर आपको मशीन का प्रेशर हम जहां तक लगाना चाहें वहां तक प्रेशर आएगा, जितना हेवी प्रेशर देना चाहे इतनी अच्छी फिनिशिंग हमारी इस मशीनों में आएगी, जो हमारा इंडियन वर्जन है। यही खासियत इन सब मशीनों के अंदर नहीं है। दूसरी बात सर इसमें वेट भी नहीं है, जब तक प्रेशर ताकत अच्छी नहीं लगेगी जब तक फिनिशिंग आई कैसे दोस्तों, ये देखिए कितनी अच्छी पकड़ है, ऐसी पकड़ आपको नहीं मिलने वाली। अगर ऐसा ही होता तो लोग ऑटोमेटिक मशीन क्यों लगाते हैं, फिर हर कोई अपने घर पर प्रेस से ही काम चला लेता, कोई मशीन को लेने की जरूरत क्या है? ये ऐसी 10 किलो 12 किलो 20 किलो की मशीन लेने की जरूरत ही क्या, फिर अपने फ्रेश से आप पैक कर लीजिए अगर बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही है तो। बिल्कुल, तो इसलिए दोस्तों हर कोई हाइड्रोलिक मशीन लेता है, कंप्रेसर मशीन लेता है, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में दोस्तों अच्छे से अच्छी फिनिशिंग आए, और ताकि हम इस प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे मार्केट में खुलने की शिकायत ना आए, प्रॉब्लम ना आए, इस तरीके की इसलिए ये मशीन यूज किया जाता है। या फिर दोस्तों इस तरीके की मशीन कोई भी इंसान, ऐसी मशीन है ऑटोमेटिक मशीन जिसे बोलते हैं, इसे लेकर के और वर्क स्टार्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और खासियत बता देता हूँ आपको कि अगर जैसे मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप अगर खुद से वर्क करना चाहते हैं, अगर खुद मेहनत करते हैं, तो आप ये सब मशीन लगाइए दोस्तों, ठीक है, इस तरह की मशीनें लगाइए। अगर आप कोई कारीगर रख कर काम करना चाहते हैं तो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि आप ये मशीन ऑटोमेटिक मशीन लगाइए। बेसिकली गाइस जैसे कि देख सकते हैं आज जो इकबाल जी ने आपको बताया, कोई बिजनेस नहीं बताया, आज यहाँ पर आपको एक बेहतरीन सा ऑप्शन, मतलब बेहतरीन सजेशन अपनी तरफ से जो हो सकता था वो बताया कि एक यार चाइनीज मॉडल से कैसे आप बच सकते हैं और एक इंडियन मॉडल में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जैसे कि इकबाल जी बहुत अच्छा सजेशन हमारे व्यूअर्स के लिए आपने दिया, और हमेशा से आप देते आते हैं, कुछ ना कुछ यूनिक लेकर आते हैं, तो जैसे कि आपके पास एक बेहतर ऑप्शन, हमें बेहतर फैसिलिटी हमेशा से मिलती है मशीन्स के ऊपर आपके लिए, मगर हमारे कुछ न्यू व्यूअर्स के लिए वो दोबारा बताना चाहेंगे। सर हमारे यहाँ क्या है कि आप मशीन EMI पे खरीद सकते हैं, ब्याज दर बिल्कुल नहीं लगने वाला है। मतलब दोस्तों क्या बिजनेस आप EMI पे, मतलब कहते हैं ना किस्तों में आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। जी तो मतलब दोस्तों सुना आपने यहाँ पर इकबाल जी ने क्या कहा कि यार अपना बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने की चाह रखते हैं तो एक बार आपको यहाँ पर आकर आपको इकबाल जी से मिलना है, उसके बाद आप अपना बिजनेस यार EMI पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको और क्या चाहिए यार? इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा और ये बताना चाहूंगा कि ये मशीन को देखिए, ये बिल्कुल चद्दर की मशीन है, ये देखिए आवाज सुन रहे हैं दोस्तों, ये चद्दर की मशीन है, ये सारी
चद्दर में बनी हुई है और ये लोहे की है। ये देखिए, ये दोस्तों आप लोगों को दिख सकता है कि ये लोहे की मशीन है, चद्दर की मशीन है। आप खुद समझ सकते हैं इसमें वेट नहीं होता, आप खुद समझ सकते हैं पैकिंग कैसे संभव है कि बहुत अच्छी हो जाएगी। चद्दर में लोगों ने सस्ते के चक्कर में आज के टाइम पे चद्दरों में मशीन बना करके दे दी है। तो दोस्तों ऐसी मशीनों से सावधान रहिए। दूसरी बात दोस्तों, और स्पेशल ऑफर के बारे में जैसे सर अभी कह रहे थे, तो ईएमआई पे आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मशीनें हमारे पास जो है ऑटोमेटिक मशीनें ईएमआई पे मिलती है। दूसरा, हमारे पास जो है रॉ मटेरियल का पूरा भरमार है, बहुत सारा रॉ मटेरियल का स्टॉक रहता है। आप कभी भी आइए, अगर आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, अगर कहीं ऐसे फ्रॉड जगह से मशीन लेके फंस चुके हैं जहां से रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, आपको रॉ मटेरियल भी मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप कहीं से मशीन लेके फंस चुके हैं, अगर आपको सर्विस नहीं मिल रहा है, तो हम आपको सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे कुछ नॉर्मल सा अमाउंट लेकर के। जी मतलब क्या बात है दोस्तों, जैसे कि आपको यार मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ऐसे लेके जेड तक यार सारी जानकारी सारी समझदारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। मतलब एक बार आपको खाली बिजनेस को स्टार्ट करना है, मतलब अगर आप पहले भी अगर इस बिजनेस को करते आ रहे हैं और आपकी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम है और वहां से आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये कंपनी आपकी सुनवाई करने वाली है। अपना टेक्नीशियन भेज के, अपना टेक्नीशियन विजिट कराकर आपकी जो भी मशीन के अंदर प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होने वाली है। तो दोस्तों चलिए आइए, मैं आपको पूरी अपनी पूरी जो हमारा ऑफिस है गोडाउन है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा पूरा गोडाउन है। बाकी रॉ मटेरियल की अगर बात करूँ तो देखिए दोस्तों, इस तरीके का हमारे पास ग्रीन पैड वगैरह, ये पेपर शीट वगैरह 6 पीस में 12 पीस में सब मिलने वाला है आपको। और इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, हमारे पास मसाले का प्लास्टर वगैरह सब मिल जाएगा आपको। ये देखिए मसाले का बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी में, ट्रांसपेरेंसी में आपको। ये देखिए हमारे पास सर कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक है। इस तरह का इस कवर का ब्लिस्टर मिल जाएगा हमारे पास। ये देखिए, ये हमारे पास सारे ब्लिस्टर के बैग्स हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास इस कवर के कार्टून हैं। ये देखिए, इस तरह का इस कवर होने वाला है दोस्तों। ये देखिए स्टील स्क्रबर, जीआई स्क्रबर, सब सारे स्टॉक हमारे पास मिलने वाला है। थैंक यू सो मच इकबाल जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमेशा हमें अच्छा ही लगता है आपके साथ मिलकर, क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं जो औरों से अलग होती है। बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में जितनी भी बातें आपको बताई गई, इतना बढ़िया बिजनेस आपको दिखाया गया और इतना बढ़िया मतलब आपको हर तरीके से चीजों को समझाया गया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई चीज आपको जानकारी में चाहिए हो, किसी मशीन के बारे में नॉलेज और ज्यादा लेना चाहते हो, प्राइस कंफर्म करना चाहते हो, कंपनी को विजिट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में कंपनी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके बाकी की जानकारी आप ले सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों बाकी शुक्रिया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ।